पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 61 और 60 हज़ार की दो नफसियाती हदें गिर गई। इंडेक्स 59,613 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी शदीद मंदी है। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 61 और 60 हज़ार की दो नफसियाती हदें गिर गई। इंडेक्स 59,613 की सतह पर आ चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी शदीद मंदी है। बात करेंगे नुमाइंदा जीएनएन राशिद खान से। राशिद खान बताएगा मार्केट की सूरत हाल क्या है। जी शुक्रिया। देखिए कारोबार का दूसरा रोज हम मार्केट में देख रहे हैं कि मंदी का रुझान बरकरार है और उसकी वजह यही है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट है उसके बाद नताइज है और अब कोलिशन हुकूमत बनने जा रही है, कमजोर हुकूमत होगी, उस पर जो है स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रही है। और हम देख रहे हैं कि मार्केट में कल भी हमने देखा था कि तकरीबन 52,000 की जो नफसियाती हद है वो गिर गई थी और आज हम देख रहे हैं कि जो 61,000 की नफसियाती हद है वो भी गिर चुकी है और इंडेक्स इस वक्त 61,000 की सतह पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 1300 पॉइंट की इस वक्त कमी है, इससे कबल तकरीबन 1500 पॉइंट कमी आई, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये कमी 1307 पॉइंट है और इंडेक्स जी राशिद खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।